गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज SST टॉपिक इज प्लेटोज एंड प्लेन्स। नाउ स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट माउंटेन्स। नाउ दीज आर द मेजर लैंड फॉर्म्स। सो इन द प्रीवियस वन आई टोल्ड यू अबाउट माउंटेन्स। वॉट इज माउंटेन? माउंटेन इज अ लार्ज मास ऑफ अर्थ और रॉक राइजिंग अबाउ द कॉमन लेवल ऑफ द अर्थ। सपोज दिस इज द माउंटेन, मीन्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इट इज़ ब्रॉड, देन इट इज़ बोथ साइड इट हैज स्लोप्स हाईलैंड एंड ऑन द टॉप इट इज़ द पीक। सो दिस इज द माउंटेन। नाउ इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू अबाउट प्लेटोज एंड प्लेन। सो वॉट आर प्लेटो स्टूडेंट्स? प्लेटोज ऑल्सो कॉल्ड अ हाई प्लेन और अ टेबल लैंड। वो एक टेबल की तरह होता है। जैसे आपके घर में टेबल होगा तो जो दोनों साइड होते हैं इट इज़ हाई, उठे हुए होते हैं, और जो ऊपर का पोर्शन होता है इट इज़ फ्लैट। सो दिस इज कॉल्ड अ प्लेटो। और ये हाई लैंड भी होता है एंड इट कैन बी वन, मतलब कि इसके जो स्टीप्स होते हैं, जो ये हाई लैंड्स हैं, ये एक भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों तरफ से ही उठे हुए, एक तरफ से भी उठे हो सकते हैं। नाउ हाउ डू वी नो व्हाट इज़ हाई लैंड? हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा हाई लैंड है, कौन सा लो लैंड है? तो हम उसको किससे कंपेयर करते हैं? वी कंपेयर इट विद द सी लेवल। सी, दिस इज़ द डायग्राम। ये सी लेवल है, तो ये सी का लेवल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ उठी है, इफ़ समथिंग इज़ रेज्ड, कोई लैंडफॉर्म रेज्ड है, तो वह उसी के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं कि कौन सा लैंडफॉर्म है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, जैसे ये सी लेवल है, तो अगर सी के बराबर में है तो वो प्लेन एरिया है, और अगर थोड़ा सा उसका उठा हुआ एरिया है अगर कोई ज़मीन का, तो उसको प्लेटो कहते हैं, और अगर थोड़ा और उठा हुआ है तो हिल कहते हैं, और थोड़ा सा और ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है, इफ़ इट इज़ वेरी टॉल देन वी कॉल इट अ माउंटेन। तो सी लेवल के अकॉर्डिंग ही हम उसकी हाइट को डिसाइड करते हैं। तो जितना भी हाइट होगी, थोड़ी होगी तो वो प्लेन होगी, उससे थोड़ी होगी तो प्लेटो होगी, उससे थोड़ी होगी तो हिल होगी, और उससे ज़्यादा होगी तो देन इट विल बी अ माउंटेन। तो हम सी लेवल से ही उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सी, विद द हेल्प ऑफ सी लेवल वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटोज? इंडिया में कौन कौन से प्लेटोज हैं हमारे? मालवा प्लेटो है, छोटा नागपुर प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो है, मैनी प्लेटोज आर देयर, एंड मैनी ऑफ देम आर इन मध्य प्रदेश। और वर्ल्ड के में जो प्लेटो है, कोलोराडो प्लेटो है, ब्राज़ीलियन प्लेटो है। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ आर प्लेटोज फॉर्म्ड? अगर हम बात करें प्लेटोज की, तो फॉर्म कैसे होते, कैसे बनते हैं? सो प्लेटोज आर फॉर्म्ड बाय लावा। बहुत सारे प्लेटोज लावा से बनते हैं, जो वॉल्केनो ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, तो उससे बनते हैं, लाइक द साउथ प्लेटो ऑफ इंडिया, द डेक्कन प्लेटो। फिर और मैनी प्लेटोज आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो सी बेड होती है, जो समुद्र का एरिया होता है, वहाँ पर मिट्टी जो जमा होती है समुद्र के किनारे, तो उससे भी बहुत सारे प्लेटोज बनते हैं, लाइक एग्जाम्पल विंध्या प्लेटोज ऑफ इंडिया। फिर सम प्लेटोज आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ वर्क ऑफ विंड। हवा से भी, बहुत सारे हवा से उड़ के बहुत सारे सॉइल है, या फिर छोटे छोटे पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, वो उड़ के हवा से जाते हैं, किसी और जगह जम जाते हैं, तो वो उससे भी, दैट ऑल्सो वी गेट द प्लेटोज आर फॉर्म्ड, लाइक द लोएस्ट प्लेटो ऑफ चाइना। देन ग्लेशियर से भी बनते हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनसे भी वो जो डिपॉजिट होते रहते हैं कहीं, या इरोड होते हैं कहीं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उससे भी बनते हैं, जैसे हमारे प्लेटोज ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, वेर इट इज़ वेरी कोल्ड। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू द प्लेन्स। नाउ व्हाट आर प्लेन्स? तो जो फ्लैट एरिया होता है, फ्लैट लैंड्स विद नो एंडुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडुलेशन? मूविंग अप एंड डाउन लाइक वेव्स। सी दिस डायग्राम, ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर कोई भी आपको बहुत सारी उठी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, इट विल बी अ प्लेन एरिया, अंडरस्टूड? जो एकदम फ्लैट होता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग रहते हैं, प्लेन एरिया। सो दैट इज़ द प्लेन। नाउ
Such type of landfill plains are much preferred by animals and human beings also. ज़्यादातर लोग animals भी और human beings भी कहाँ prefer करते हैं रहना? Plain area में. Now why they prefer here? Because this is the easier form of the land. और बहुत thickly populated होते हैं, बहुत सारे population ज़्यादातर plain area में रहते हैं. Students, we live in Uttar Pradesh and Uttar Pradesh is also a plain area. और यहाँ पर बहुत सारे population हैं. Now plains अच्छा क्यों है? Why it is good? See, it is good for cultivation, जो हमारी खेती बाड़ी होती है, agriculture होता है. तो हम पहाड़ी area में या फिर हम plateau area में ये सब इतना possible नहीं होता है, इतने अच्छे से cultivation नहीं हो सकता. So we want, this can be done only in the plain areas. Lots of rivers also are there and for that also good economic importance है. इसका economic यानी हमारे जो economic व्यवस्था है, like we have factories over here, we have markets over here, schools, ज़्यादातर हमारी सारी चीज़ें plain area में ही बनी रहती हैं. Now example, the Ganga Plain and the Mississippi Plain, the Great Plains of United States, West Siberian Plain, Russia, ये सब plain areas हैं. Now exactly plain होता क्या है? What is the plain? It is a flat sweeping landmass, एकदम flat होता है ये, and generally does not चेंज मच इन एलिवेशन. कोई भी ज़्यादातर इसमें उठा हुआ पोर्शन आप नहीं देखोगे. प्लेन अकर्स एज लो लैंड, इनको लो लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें उठा हुआ कोई चीज़ नहीं है, और वैलीज के पास भी हो सकता है, और डोर स्टेप, जैसे दिस इज द माउंटेन, तो जो इसके नीचे का एरिया होता है ये डोर स्टेप, तो यहाँ पर प्लेन्स होते हैं. प्लेन्स भी कोई भी उठी हुई जगह पर नहीं होगा, या तो फिर कोस्टल एरिया, समुद्री एरिया के पास भी प्लेन्स हो सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? तो प्लेन्स भी जैसे आपने बताया, मैंने बताया था प्लेटोज कैसे फॉर्म होते हैं, देन प्लेन्स ऑल्सो आर फॉर्म लाइक दैट ओनली. लाइक साइंटिस्ट बिलीव दैट द फर्स्ट प्लेन ऑन अर्थ वो क्रिएटेड बाय लावा फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन. जो ज्वालामुखी फटता है और उससे लावा निकलता है, तो जब व्हेन इट बिकम्स कूल, जब ठंडा हो जाता है सरफेस पे, तो वो कुछ एरियाज उसने लिया एंड दैट इज द प्लेन एरिया. अदर प्लेन्स हैव बीन फॉर्म बाई इरोजन, जो स्वीपिंग अवे होता है, जो सॉइल हट जाता है या फिर रॉक्स हट जाते हैं अपनी जगह से, किस वजह से? एयर की वजह से, आइस, वाटर. इन फ्रॉम दिस व्हेन द एयर स्वीप्स ऑफ द एरिया, तो इरोजन कैन टर्न हिली लैंड्स इनटू फ्लैट लैंड्स, यानी हिली एरियाज को भी इरोजन की वजह से फ्लैट लैंड में टर्न हो जाते हैं. Now what is the importance of plain? Plain की क्या importance है? Plain landforms are of great importance in the agricultural sector. मैंने बताया था कि agriculture के लिए बहुत important होता है. Plains are good sources of minerals also. Coal है, tin है, petroleum है, ये सब हमें plain area से मिलता है. Communication routes के लिए, railways के लिए, roads के लिए, airports, everything is possible on plain only. फिर sports activities या recreational activities, कोई भी activity हमें कराना हो, Plain is very important. Okay, so now you know the difference between plains and plateaus. Now students, you just have to go through the topic which I have told you, ki plains hota kya hai and what is plateaus. And if you want to draw the diagram, you can draw it in a rough copy, no need to draw in a fair copy. So you can draw the plateaus, sea level and the different types of landforms. Thank you.